आईसीसी ने टी20 की नई रैंकिंग जारी कर दी है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज में शानदार प्रदर्शन के बाद भारतीय बल्लेबाजों को रैंकिंग में फायदा मिला है। नई रैंकिंग में स्काई को तगड़ा फायदा हुआ है। सूर्य कुमार यादव नंबर वन बनने के और करीब आ गए हैं। स्काई रैंकिंग में चौथे पोजीशन से वापस दूसरे पोजीशन पर पहुंच गए हैं। सूर्या 754 रेटिंग पॉइंट से सीधा 801 रेटिंग पॉइंट के साथ नंबर दो पर पहुंचे। वहीं पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान टी20 इंटरनेशनल रैंकिंग में 861 रेटिंग पॉइंट के साथ नंबर वन पोजीशन पर काबिज हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के बाद विराट कोहली को भी रैंकिंग में फायदा हुआ है। विराट कोहली को एक पायदान का फायदा हुआ और वो 16वें से 15वें स्थान पर पहुंचे हैं। इसके अलावा कप्तान रोहित शर्मा 13वें स्थान पर बरकरार हैं। बल्लेबाजों के अलावा टी20 में ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में हार्दिक पांड्या की पोजीशन में कोई बदलाव नहीं हुआ है। हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर्स की लिस्ट में 5वें स्थान पर बरकरार हैं, तो वही गेंदबाजों की रैंकिंग में भुवनेश्वर कुमार टॉप 10 में बरकरार हैं। ऑस्ट्रेलिया को मात देने के बाद टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारत का आखिरी पड़ाव साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज है। उम्मीद है कि सूर्य कुमार यादव साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में एक बार फिर से शानदार प्रदर्शन करेंगे और आईसीसी की टी20 रैंकिंग में नंबर वन बल्लेबाज भी बनेंगे।